नमस्कार, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन में। और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, और आज वैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पीएम नरेंद्र मोदी जी की तमाम मुख्यमंत्रियों से हुई, जिस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तमाम मुख्यमंत्रियों ने ये अपील की कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। और लॉकडाउन बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और आगे बढ़ ही रही है, कंटेन होने का नाम नहीं ले रही है। और किसानों के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक आर्थिक पैकेज सुनिश्चित किया हुआ है, और आर्थिक पैकेज में किसानों के खर्चे का, किसानों की खेती का, सबका खर्चा केंद्र सरकार उसके ऊपर खर्च। और मुड़ते हैं चाइना की तरफ। चाइना से निकला चाइनीज़ वायरस, वुहान वायरस, आप जो बोलो बोल सकते हो, चाइनीज़ वायरस जो वुहान से निकला है, वुहान के वेट मार्केट से, जो वो वेट मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा गीला रहता है, हर तरफ से गीला रहता है, और वहाँ के बिल्ली, कुत्ते, चमगादड़, ऐसे ऐसे जानवरों को खाया जाता है, काटा जाता है और उधर ही खाया भी जाता है। तो वो वेट मार्केट से निकला कोरोना वायरस ये चाइना की अफवाह है, उसका गेम प्लान है वो तो हम जानते नहीं, बट ऐसा सोच रहे हैं कि वो गेम प्लान है। चाइना ने सूचना दी तो WHO ने भी बोला कि ये पैंडेमिक है बट ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेबल नहीं है, फैल नहीं सकता। आखिरकार ये पैंडेमिक भी था और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल रहा था, और इसकी सूचना सबसे पहले ताइवान ने दी। ताइवान जो WHO के अंडर नहीं आता है उसने दी, और उसने उस वायरस को कंटेन भी कर दिया। फिर WHO चुप करके बैठ गए, फिर आगे बढ़े, पैंडेमिक बढ़ता गया, आगे आगे बढ़ता गया, हर देश में फैलता गया, आज की डेट में 250 कंट्रियों में फैला हुआ है ये कोरोना वायरस, COVID-19। और ये जो वायरस था, जब ये फैल रहा था और जब WHO ने इसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का दर्जा नहीं दिया, तो चाइना ने चाल चली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे चाइनीज़ बंदे इटली भेज दिए, अमेरिका भेज दिए, और इटली में भेज के वहाँ पर लोगों को बोला, जो ये चाल थी तो वैसा ही समझदार लोग होते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, आँख पे पट्टी बांध के रोड पे निकले और लिखा अपनी छाती पे, वी आर चाइनीज़ बट वी आर नॉट, वी डोंट कैरी कोरोना वायरस। तो सब इटालियंस जो इटली के लोग थे सारे हग करने लगे, जिस तरीके से इटली की ये हालत हो गई है। और इटली की ने लॉकडाउन भी नहीं किया था, उसने हल्के में ले लिया था, सस्ते में ले लिया था, इस वजह से उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा, अभी झेल ही रहे हैं। वही चाइना वायरस अब हिंदुस्तान में भी आ गया, तो अमेरिका में भी आया, अमेरिका तो अभी हॉटस्पॉट हो गया है, एपिसेंटर हो गया है, जिस वजह से अमेरिका और चाइना आपस में उनकी दुश्मनी बढ़ रही है। और वैसे भी इनके बीच में दुश्मनी थी क्योंकि इनका ट्रेड वॉर चल रहा था, इंडिया का और चाइना का भी ट्रेड वॉर है, बट इंडिया से चाइना बहुत आगे है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट किसी ना कभी इंडिया उसे पछाड़ देगा कि वो उसे डर है, इस वजह से उसने इंडिया में भी किया। और इंडिया के सब मैक्सिमम मीडिया जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, मीडिया से उनको बहुत पैसा खिला रहे, इतना पैसा खिला रहे कि वो गलत बातें छापे, जैसे हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, बट ये गलत है। आज तो पीएम मोदी ने खुद बोला कि आप घर में भी मास्क आ सकते हो, जो 300 रुपये का मास्क हम खरीदेंगे इसकी जगह हम घर में बनाए मास्क क्यों नहीं कर सकते, घर बैठ के कर क्या रहे लोग, कर सकते हैं। अभी श्री सबमित पात्रा जी को मैंने एक डिबेट में देखा, वो डिबेट करते करते मास्क बना रहे थे, और डिबेट ख़त्म करते 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 उन्होंने लगभग 2-3 मास्क बना दिए। वैसे हर कोई कर सकता है, ये ट्रेड वॉर की है, इकॉनमी, सबकी इकॉनमी गिराने का ये मकसद चाइना का था, ताकि वो ट्रेड में आगे जाए, सब कंपनियों उसको के शेयर खरीद पाए, और अपनी वुहान से उनके बीजिंग में कोई वायरस नहीं गया, बीजिंग में ज़्यादा केसेस नहीं आए, बट
दूसरी कंट्रीज में जो 8-8, 9-9 हज़ार, 11-11, 12-12 हज़ार किलोमीटर दूर है, वो दूषित हो गए उस वजह से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने घर में रहिए, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन कीजिए, हो सके तो गरीब लोगों की मदद कीजिए, और जो जानवर है बाहर, जो हम पर जीते हैं, हम पर रहते हैं, उनको भी कुछ, जब भी बाहर जाए तो कुछ लो, हाथ में लो, बिस्किट्स लो और उनको दो, चिड़िया है, पानी पिलाओ, जो मिलता है वो करो, क्योंकि हम इंसान तो अपना सोच लेते हैं, बट जानवरों का हमें ही सोचना पड़ेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि आगे कौन सी वीडियोस भेजूं, अपलोड करूं, और कमेंट सेक्शन में आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और किसी कैसे हम इनको मेंटेन कर सकते हैं और कोरोना वायरस को कंटेन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, भारत बुलेटिन को। धन्यवाद।